स्टार दीपिका सिंह रुक करेंगे बड़ी खबर का, जहां राजस्थान में कांग्रेस स्टार प्रचारकों की लिस्ट से दिव्या मदेड़ा का नाम हुआ गया। आइए जानते हैं विस्तार से। सियासी संगठन के बीच कांग्रेस ने सरदार शहर के उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 5 दिसंबर को सरदार शहर सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। ये नेता सरदार शहर जाकर कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे। इस सूची में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट तो हैं, मगर सबसे चौंकाने वाला नाम प्रदेश प्रभारी अजय माकन का है। प्रदेश प्रभारी अजय माकन के इस्तीफे की पेशकश से जुड़ी चिट्ठी 16 नवंबर को सामने आ गई थी। इसमें माकन ने 25 सितंबर को हुई अनुशासनहीनता के दोषी तीनों नेताओं पर कार्रवाई नहीं होने के बजाय उन्हें तवज्जो देने की बात कही थी। माकन के इस विरोधी तेवरों के बावजूद एक दिन बाद गुरुवार को जारी हुई लिस्ट में उन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया है। हालांकि माकन का इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, मगर इस सूची के जारी होने के बाद चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई है। माकन को स्टार प्रचारक बनाए जाने के कई सियासी मायने निकलते हैं। लिस्ट जारी होने के बाद ये कहा जा रहा है कि संगठन पार्टी लाइन पर चल रहा है। ऐसे में सूची को राजस्थान में माकन की नाराजगी को दूर करने के तौर पर देखा जा रहा है। इसे इस रूप में लिया जा रहा है कि माकन राजस्थान में बने रहें। कई नेताओं का मानना है कि फिलहाल कांग्रेस अध्यक्ष ने माकन का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। ऐसे में वे प्रभारी रहेंगे या नहीं, इसका फैसला खड़गे के हाथों में होगा।